आइए दोस्तों, अब फिर एक निस्वानी लहजे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, उर्दू शायरी में ख्वातीन ने अपनी जगह आप बनाई है, उनका एक अपना लहजा है। एक जमाना था कि ख्वातीन भी मर्दों की तरह शायरी करती थी, उनका लहजा भी उनसे जुदा नहीं था, लेकिन फिर ख्वातीन ने अपने लिए एक अलग राह बनाई, अपना एक अलग लहजा इजाद किया। और जाहिर है कि वो जो उनके तजुर्बात हैं, जो अपनी जिंदगी उनकी है, क्योंकि औरत की जिंदगी एक वो है कि जो हम देखते हैं कि जिसमें वो घर संभालती है, वो दूसरों का ख्याल रखती है, पूरे खानदान की जिम्मेदारी उस पर होती है, फिर उसी के साथ साथ उसने बाहर निकलना सीखा, नौकरी की, तालीम हासिल की। लेकिन इसके अलावा भी एक और दुनिया है जो उसके अपने अंदर की दुनिया है, जिसको सिर्फ वो ही देखती है, वो ही समझती है। हम लाख कोशिश करें कि उसके बारे में कुछ कहें, उसके बारे में लिखें, हम जो कुछ हम बाहर से मुशाहिदा करते हैं उससे हम जरूर लिख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की दुनिया, उसके खास, उसके अपने जज्बात, उसकी तर्जुमानी एक औरत ही कर सकती है। वो मुझको छोड़कर जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब रह जाता। ये परवीन शाकिर कहती है। लुबना सफदर कहती हैं, कहीं मैं नींद में ही मर ना जाऊं, उसे सपने में रुखसत कर रही। और इस सिलसिला आगे बढ़ता है तो गुलहूरिया यहाँ शायरी को लेकर आती हैं, और यहाँ उनके ये लहजा देखिए कि उससे टकरा के मर गई तितली, फूल दीवार पर बना हुआ था। वाह इसी सिलसिले में एक और शेर जुड़ता है, इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया। अब ये देखिए ये एतबार कि इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए। और ये शायरा और कोई नहीं है, मोहतरमा आयशा अय्यूब साहिबा है, जिनका ताल्लुक लखनऊ से है। बहुत ही खूबसूरत शायरी करती हैं। जब भी मिलिए खंदा पेशानी से, जब भी देखिए मुस्कुराते हुए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप अपने कलाम से नवाजे, मोहतरमा आयशा अय्यूब साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मुसव्वर साहब। मृदुल्ला टंडन जी का भी बहुत शुक्रिया। जश्न हिंद के सभी देखने वालों को, मेरे सभी दोस्तों को आदाब। और बिला ताखीर मैं गजल के चंद अशार पेश कर रही हूँ। देखिएगा, जी मतलब यूं है कि वो जो अपनी जात में रखते हैं उद्यानी का शोर, वाह, वो जो वो जो जात अपनी जात में रखते हैं उरियानी का शोर, खुल्द से आए हैं लेके रूह यजदानी का शोर, क्या बात खुल्द है, हाय से आए हैं हाय, लेके रूह यजदानी वो का है शोर, यजदानी का शौक। और दश्त में रहते हैं प्यासे और दरीचे वाक ये, दश्त में रहते हैं प्यासे और दरीचे वाक ये, खुश हुआ करते हैं सुन के दूर से पानी का शोर, वाह खुश हुआ करते वाह उनके वाह दूर वाह वाह से वाह, पानी का शोर। बहुत शुक्रिया। एक शेर और इसमें बहुत पसंद आता है लोगों को, वो पेश कर रही हूँ कि एक लड़की चूड़ियां खनका रही थी और तभी, एक लड़की वाह, खनका चूड़ियां खनका रही थी और तभी रही उस थी और खनक तभी, से, एक लड़की चूड़ियां खनका रही थी और तभी उस खनक से उठ रहा था जैसे जिंदानी का शोर, क्या उस कहने हैं भाई, खनक से उठ वाह रहा वाह वाह था वाह वाह जैसे वाह 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 जिंदानी वाह 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 का शोर। बहुत बहुत वाह शुक्रिया वाह आपका, वाह शुक्रिया वाह वाह, दोस्ता। बहुत अच्छा है, वाह वाह एक वाह वाह, लड़की चूड़ियां खनका रही थी चूड़िया और खनका तभी रही थी और तभी उस जिंदानी खनक से उठ रहा था जैसे जिंदानी का शोर, का शोर। मैं परी पैकर हूँ लेकिन बेजुबा हरगिज नहीं, मैं परी मैं पैकर हूँ परी पर लेकिन बेजुबान हरगिज बेजुबान नहीं, हरगिज नहीं,
सारी दुनिया ने सुना है जर्फ निस्वानी का शोर, सारी दुनिया ने सुना है जर्फ निस्वानी का शोर, और उसने पर्वत पे सदा दी जाके मुझको आयशा, उसने पर्वत पे सदा दी जाके मुझको आयशा, और वहां से लौट आया मेरी वीरानी का शोर, और लौट आया मेरी वीरानी का शोर, क्या कहना है वीरानी का शोर, और वहां से लौट आया मेरी वीरानी का शोर। एक गजल के चंदार और देखें, ये कुर्बतों का जो सर पर वबाल रखा है, ये कुर्बतों का जो सर पर वबाल रखा वबाल है, फितूर इश्क है और हमने पाल रखा है, फितूर इश्क है और हमने पाल रखा है, ये इंतखाब जो हमने किया है जीने का, ये इंतखाब जो हमने किया है जीने का, फिराक चुन लिया है और विसाल रखा है, फिराक चुन लिया है और विसाल रखा है, और खिजा के फूल संजोए किताब में रखे, खिजा के फूल संजोए किताब में रखे, फसीले गम से यूं रिश्ता बहाल रखा है, बहाल रखा है, और आखिरी शेर देखिए, ये दौर वो है कि दिल में कोई रखे न रखे, ये दौर वो है जो कि दिल में कोई रखे न रखे, नजर में सबने मुझे बहरहाल रखा है, बहरहाल रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक गजल की और अशआर देखें जी। कल शाम वापसी में अजब मरहला पड़ा, कल शाम वापसी में अलग अजब मरहला पड़ा, घर का कबूतरों से पता पूछना पड़ा, कल शाम वापसी में अजब मरहला पड़ा, घर का कबूतरों से पता पूछना पड़ा, और कुछ उम्र अपनी जात का दुख झेलते रहे, कुछ उम्र कायनात का दुख झेलना पड़ा, कुछ उम्र कायनात का दुख झेलना पड़ा, और सूरत या नाम से तो न था अजनबी मगर, सूरत या नाम ते तो न था अजनबी मगर वो शख्स कौन था ये हमें सोचना पड़ा, और उसने वही सवाल किया हमसे बार बार, हमको मगर जवाब नया ढूंढना पड़ा। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नज़्म, हमने कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों को देखा, कोविड की वजह से बहुत सारे खास लोग, अहम लोग हमें छोड़ के चले गए, तो ये नज़्म उसी से कुछ रिलेटेड है। देखें कि किसने सोचा था कि ऐसा भी सिला देगी हमें, किसने सोचा था कि ऐसा भी सिला देगी हमें, मुस्कुराती हुई तस्वीर रुला देगी हमें, मुस्कुराती हुई तस्वीर रुला देगी हमें, एक मुस्कान तस्वीर से परे है लेकिन, एक मुस्कान तस्वीर से परे है लेकिन, जब्त रखती है खामोशी का कहां सुनती है, आज वो लोग की मुमकिन है तेरे नाम से भी, जो तेरे जिक्र से मानूस हुआ करते थे, तेरी आहट से जिन्हें अपना पता चलता था, तेरे ही बाम पे महफूज हुआ करते थे, खाली वक्तों में तुझे सोचने को बैठे तो तेरी हर बात मुलाकात नजर आती है, खाली वक्तों में तुझे सोचने को बैठे तो तेरी हर बात मुलाकात नजर आती है, इसलिए और तेरे चाहने वाले मुफलिस अपनी तन्हाई से हर वक्त डरे रहते हैं, किसने सोचा था कि जब कहते हैं खुदा हाफिज तो ये कहते हैं खुदा इनकी हिफाजत करना, किसने सोचा था कि जब कहते हैं खुदा हाफिज तो ये कहते हैं खुदा इनकी हिफाजत करना,
ये जो रोएंगे मेरी मौत पे सब मिलजुल कर और कुछ दिन में मुझे ये भी भूल जाएंगे। ये जो रोएंगे मेरी मौत पे सब मिलजुल कर और कुछ दिन में मुझे ये भी भूल जाएंगे। क्या ये सोचा था कि ये लोग जो मिलते हैं हमें ये भी मिट्टी की बनाई हुई तस्वीरें हैं, हाथ और पांव हैं, आंखें हैं और होंठ भी हैं, हाथ और पांव हैं, आंखें हैं और होंठ भी हैं। किसने सोचा था कि ये लोग भी मर जाएंगे? किसने सोचा था कि ये लोग भी मर जाएंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आयशा अय्यूब साहिबा आपकी खूबसूरत शायरी के लिए और इस बेहतरीन नज्म के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।